देवोलीना भट्टाचार्जी ने लगाया उमर रियाज पर सबसे बड़ा इल्जाम। आखिर क्या कुछ कहा है देवोलीना ने उमर रियाज को, चलिए बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, उमर रियाज और देवोलीना की हुई फाइट, जहां पर देवोलीना ने काफी बड़े इल्जाम उमर रियाज पर लगाए हैं और उमर रियाज को कहा है कि इनकी वजह से सारे टास्क जो है वो रद्द होते हैं और ये वाला टास्क भी रद्द हुआ है। वहीं उमर रियाज को कहा कि इन्होंने जो है फिजिकल फाइट की और बल का प्रयोग बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं है। वेल, आगे से उमर रियाज ने जो है कॉइंस की छीना चपटी की है, उसके बाद में फिर रितेश जो है वो लड़े हैं उमर रियाज से। तो यहाँ पर देवोलीना जो है वो झगड़ती हुई नजर आ रही है उमर रियाज के साथ में और कह रही है कि उमर रियाज की वजह से जो है हमारा टास्क रद्द हुआ है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उमर रियाज ही जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर जो है शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं उमर रियाज का साथ देती हुई नजर आई है। उमर रियाज का साथ देते हुए शमिता ने कहा है कि नहीं, रितेश ने सबसे पहले जो है कॉइन्स की छीना छपटी की थी और इसमें उमर का कोई दोष नहीं है। वेल, मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर रियाज की टीम में ही शमिता शेट्टी थी, यानी कि लोग एक ही टीम में खेल रहे थे, जिसमें जाहिर सी बात है कि शमिता शेट्टी को कहीं ना कहीं उमर रियाज का सपोर्ट करना था। लेकिन वो जो है शमिता शेट्टी उमर रियाज के लिए देवोलीना से भी भिड़ पड़ी है और देवोलीना को समझाती हुई नजर आई है कि उमर रियाज की इसमें कोई गलती नहीं है बल्कि रितेश की गलती है। रितेश ने पहले कॉइंस की छीना छपटी की थी और उसके बाद में फिर उमर रियाज ने कॉइंस की छीना छपटी की है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है घर में देखने को मिल रही है, छीना छपटी और लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें खाने को लेकर लड़ते हैं। और यू नो कि हाल फिलहाल जब से वीआईपीज बने हैं, वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है, तब से घर में जो है वो सुकून का माहौल नहीं है। लोग सो नहीं रहे, रेस्ट नहीं कर रहे या फिर कॉर्नर्स में जाकर बैठ कर बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे ही हंगामे, ऐसे ही ड्रामा जो है घर में चल रहा है। तो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिल रहा है पब्लिक को। वेल, आपके क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। किसका सपोर्ट आप कर रहे हैं, रितेश का या उमर रियाज का? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? वेल, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।